आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजल के ट्विस्ट एंड टेस्टी कुकिंग होम। आज हम बना रहे हैं घिया के कोफ्ते। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घिया में 4 चम्मच बेसन डालेंगे। घिया को बच्चे तो क्या, कुछ बड़े भी खाना पसंद नहीं करते, तो आप कुछ इस तरह से अपने घर में घिया सर्व कर सकते हैं। तो इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, इसी के साथ टर्मरिक पाउडर 1/2 स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून के करीब, हाथों से क्रश करके 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 1 चॉप्ड ऑनियन ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला ऐड कर देंगे। लौकी खुद ही बहुत सारा पानी रिलीज करता है, तो हम इसमें बिना पानी डाले ऐसे ही मिक्स करेंगे। मुझे इसमें बेसन थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 2.5 स्पून बेसन और ऐड कर दिया। तो लगभग 6 चम्मच बेसन हमने ऐड किया 200 ग्राम लौकी में। एक पैन में ऑयल गरम कर देंगे। इसमें इस तरह से छोटे छोटे हम बॉल्स बना के ये जो लौकी का पेस्ट है ये डालेंगे। कुछ इस तरह से हम बॉल बनाएंगे। जो फ्लेम है वो हम मीडियम रखेंगे, ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो अच्छे से फ्राई हो पाएँ। तो ये जो कोफ्ते या पकोड़े हैं, हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। मुझे यहाँ पे चम्मच से इनको उलटना पुलटना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। आप चाहें तो बड़े स्पून या जारी का यूज़ कर सकते हैं, ये आपके कंफर्ट के हिसाब से। हमारे जो कोफ्ते हैं ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसी पैन में हम ऑनियन ऐड करेंगे। जब ऑनियन हल्के से पिंकिश हो जाएंगे, तो हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 स्पून के करीब। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1 स्पून, 1/4 स्पून टर्मरिक पाउडर, इसको मिक्स करेंगे। अब ऐड करेंगे टमाटो, इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक, 1 स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। ऑयल सेपरेट हो चुका है, आप ऐड करेंगे 4 स्पून के करीब दही। इसे हम जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे, नहीं तो दही फट सकता है। ये मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। इसमें ऐड करेंगे वाटर, इसको अच्छे से उबलने देंगे, और फिर हम ऐड करेंगे अपने पकोड़े या कोफ्ते जो हमने बना के रखे थे। अब हम इसे थोड़ी देर पका लेंगे। ऐड करेंगे फ्रेश धनिया पत्ते। इट्स रेडी टू सर्व। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल।